मटोल कहीं ज्यादा भैया खत्म कीजिए सर। और ये 150 लड़का है सर, इसलिए जल्द से जल्द प्रकाशित कीजिए। दाल मटोल नहीं है, दाल मटोल रुको, जो जितने ये 3 लोग थे ये लोग एग्जामिनेशन में थे। कौन विषय है? कॉमर्स का है सर, तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में EWS कोटा में गड़बड़ी का मामला तूल पकड़ने लगा है। लगातार छात्र इसका विरोध कर रहे हैं। आज EWAS समेत कई दूसरी मांगों के समर्थन में छात्र प्रतिकुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार के कार्यालय में पहुंच गए और वहीं धरने पर बैठ गए। वे लोग काफी देर तक कक्षा में ही बैठे रहे। वे तत्काल निर्णय लेने की मांग पर अड़े थे। उन लोगों ने विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की। इस दौरान काफी देर तक विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन में गहमा गहमी का माहौल बना रहा। मामला है कि EWS जो है कि कोटा में घोटाला किया गया था और पुनर्मूल्यांकन का जो मामला है वो टाल मटोल का रवैया चल रहा है प्रोविसी साहब के द्वारा। अभी हम लोग प्रोविसी साहब का घेराव किए थे, अंदर में धरने पे बैठे थे, तो वो बोले कल तक का हमको समय दीजिए, कल जो है कि डीसी साहब से बात करके पुनर्मूल्यांकन का निर्णय लिया जाएगा। आगे क्या किया जाएगा? आगे अगर नहीं इस पे निर्णय लिया जाता है, कल शाम तक 4 बजे का समय लिए हैं, तो परसों से हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे, पूरा विश्वविद्यालय बंद करवाएंगे। वही छात्रों के गुस्से को देखते हुए प्रगति कुलपति ने छात्रों को समझाने का काफी प्रयास किया, हालांकि वो लोग मानने को तैयार नहीं हुए। प्रतिकुलपति ने छात्रों को समझाते हुए कहा कि उन लोगों ने परीक्षा फल मामले की जांच रिपोर्ट तैयार कर ली है, सभी विभागों से रिपोर्ट मिलने के बाद उसका अध्ययन कर लिया है, रिपोर्ट को तैयार कर प्रभारी कुलपति के समक्ष रखा जाएगा। उन्होंने बताया कि इस मामले में परीक्षा बोर्ड को निर्णय लेने की अनुशंसा की गई है, इस मामले में बोर्ड की बैठक के बाद ही कुछ निर्णय लिया जा सकता है। इस पर छात्रों ने कहा कि वो लोग तत्काल प्रभारी कुलपति से बात कर बोर्ड के बैठक को तय करें। हालांकि काफी देर बाद किसी तरह छात्रों को अधिकारियों ने प्रशासनिक भवन से निकाला। इस बीच एक छात्रा उत्तर पुस्तिका की जांच नहीं होने को लेकर प्रतिकुलपति से मिली। छात्रा उनके कक्ष में ही रोने लगी। इस पर प्रतिकुलपति ने कहा कि एक छात्रा का मामला नहीं है, इस मामले में जो भी निर्णय होगा वह परीक्षा बोर्ड लेगा। विश्वविद्यालय सूत्रों की माने तो ज्यादातर PG विभागों ने दावा करने वाली कॉपी का अवलोकन करने के बाद पुनर्विचार करने की अनुशंसा की है, जबकि कई विभागों ने उत्तर पुस्तिका देख संतुष्टि जताई है। अब ऐसे में परीक्षा बोर्ड को निर्णय लेना है कि दावा करने वाले छात्रों की मांग किस तरीके से शुरू की जाए जिससे छात्र संतुष्ट हो सके। भागलपुर से बोलता बिहार की रिपोर्ट। तो फिलहाल के लिए इतना ही। आपको यह रिपोर्ट कैसे लगी हमें कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए, और हाँ ये वीडियो आप Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को फॉलो करना ना भूलें।